गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन का सेकंड टाइप, जिसका नाम है डुप्लीकेशन। इससे पहले हमने डिलीशन डिस्कस किया था। डिलीशन में हमने देखा था कि कोई भी क्रोमोसोम से अगर कोई जीन अलग हो जाती है तो इस टाइप को, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ जीन, इसमें हमने सो किए हैं। इसमें से अगर मान लो कोई जीन यहाँ से हट जाती है, जैसे मान लो सी और डी जीन यहाँ से हट जाती है और यहाँ पे केवल ई और एफ बच जाते हैं, तो ऐसे म्यूटेशन को हमने डिलीशन में डिस्कस किया था। लेकिन डुप्लीकेशन डिलीशन से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें होता क्या है, जैसे ए बी सी डी जो जीन है उनमें से कोई भी जीन, जैसे ई और एफ है, ई और एफ है, ये दोबारा से अगर रिपीट हो जाती है, तो दोबारा से डुप्लीकेट हो जाती है किसी क्रोमोसोम में, तो ऐसा म्यूटेशन डुप्लीकेशन कहलाता है। डुप्लीकेशन जो म्यूटेशन है, इसके तीन टाइप हम डिस्कस करेंगे। पहला है टेंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन और रिवर्स डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन ऐसा डुप्लीकेशन होता है जिसमें किसी जीन का रिपीटेशन उसी सीक्वेंस में लगातार अगर होता जाता है, तो ऐसा डुप्लीकेशन टेंडम डुप्लीकेशन कहलाता है। जैसे फर्स्ट टाइप का उदाहरण हमने यहाँ पे लिया है, हमने क्रोमोसोम का एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने जीन ली है ए बी सी डी ई और एफ। अगर यहाँ पे जो जीन है ए बी सी डी, बी सी डी यानी बी सी और जो डी जीन है उनका डुप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूटी फॉर्म में हो रहा है। जैसे बी सी डी जीन है, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूटी फॉर्म में बी सी डी, बी सी डी और ई और एफ, ये लास्ट का सेगमेंट है। तो अगर किसी जीन का डुप्लीकेशन उसी क्रम में लगातार होता रहता है, तो ऐसे डुप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, टेंडम डुप्लीकेशन कहेंगे। हम टेंडम रिपीट यूनिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो उसी टाइप का डुप्लीकेशन है जिसमें किसी जीन का रिपीटेशन उस जीन के बाद लगातार अगर हो रहा है। जैसे यहाँ पे बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी तीन बार हो गया, तो इसके तुरंत बाद डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये डुप्लीकेशन टेंडम डुप्लीकेशन कहलाएगा। सेकेंड टाइप है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। अगर मान लो बी सी डी जीन का डुप्लीकेशन यहाँ नहीं होकर किसी इसी क्रोमोसोम पर या दूसरे क्रोमोसोम पर कहीं और सेगमेंट में जाकर अगर होता, तो ऐसा डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है सेकेंड का, यहाँ हमारे पास एक क्रोमोसोम है जिसमें के एल एम एन ओ और पी जीन है। इसमें से क्या हो रहा है, के एल एम एन जो एल और एम है, इस जीन का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन एल एम जीन के तुरंत बाद नहीं होकर क्रोमोसोम में कहीं और इसका डुप्लीकेशन हुआ है, यानी यहां से दूर किसी दूसरे स्थान पर डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ऐसा डुप्लीकेशन डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहलाएगा। जबकि टेंडम में तुरंत बाद रिपीटेशन हो रहा है, उसी जीन के बाद उस जीन का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये टेंडम हो गया। डिस्प्लेस्ड में जो डुप्लीकेशन हो रहा है, इसके तुरंत बाद नहीं होकर क्रोमोसोम के किसी दूसरे सेगमेंट पर जाकर हो रहा है, तो ऐसा डुप्लीकेशन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन कहलाएगा। थर्ड है रिवर्स डुप्लीकेशन। रिवर्स डुप्लीकेशन वह डुप्लीकेशन है जिस जीन में जिसका डुप्लीकेशन हो रहा है उसका डुप्लीकेशन रिवर्स क्रम में अगर होता है, तो ऐसा डुप्लीकेशन रिवर्स डुप्लीकेशन कहलाएगा। जैसे पी क्यू आर एस टी यू और वी इस क्रोमोसोम के जीन है, तो यहाँ पे जो जीन है पी क्यू आर एस, तो एस आर और क्यू, यहाँ इस जो जीन है क्यू ओ आर और एस जीन का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन इसका डुप्लीकेशन किस क्रम में हो रहा है, इस क्रम में होना चाहिए, लेकिन इस क्रम में रिवर्स जो है क्रम में इसका डुप्लीकेशन हुआ है। जैसे यहाँ तक तो ये सेम जीन है, फिर उसके बाद आर एस और क्यू का रिवर्स डुप्लीकेशन हुआ है, तो इस डुप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, रिवर्स डुप्लीकेशन कहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन।